ब्लेसिंग्स ऑन द सेट। I was too excited to hear this song और मैं सोच रहा था कि मैं इसको किस तरह करूँ, क्योंकि generally गाना तो club में हुआ है, तो अभी club में हुआ है तो मेरे को जाहिर सी बात है मुझे club में नहीं करना था, तो मैं सोच रहा था कि मैं अगर club में करूँगा तो फिर वो एक ऐसे regular गाना बन जाएगा कि हाँ सात समुंदर है तो club में करूँ, तो मुझे उसको कुछ यू नो नया चीज़ देनी थी, बहुत सारी चीज़, तो मैं था कि आग और पानी ये सब सारे के सारे एलिमेंट उसको मिश्रण करूँ मैं उसके अंदर, और प्लस हमारे पास टाइम भी बहुत कम था, मैडम की भी डेट्स कम थी, कुछ भी भाई साहब की भी डेट्स कम थी मैं तो फ्री था तो हम लोग सब ने एक सोचा कि एक दिन हम पूरा उसको यू नो सुबह से लगे हुए थे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फायर है इसमें पानी है, अभी पानी का बाकी है इन लोगों का एलिमेंट, इन लोगों को मैंने बोला सर्जरी की दवा का पैकेट लेके आ जाना तुम लोग, तो वो सारी चीज़ें थी, और दूसरी चीज़ म्यूज़िक जो है इसकी तो बहुत इतनी अच्छी अलग तरीके से बनाई है इसको, और यू नो बहुत एनर्जेटिक है, नयापन है म्यूज़िक में, और बहुत सारा उसका क्या बोलते हैं नया ग्रूवी पूरा नया है, तो आई थिंक इट्स गोना बी अमेजिंग और पब्लिक को बहुत पसंद आएगा, और उम्मीद है कि जो हमने इसको पूरा का पूरा प्लान किया है सबको पसंद आए, तो आई होप एवरीबॉडी विल लाइक इट। मिया आप एक लिपस्टिक भी लगा के डाल देती है, बवाल हो गया, दिस इज समथिंग एब्सोल्युटली डिफरेंट थिंग, हर प्रॉब्लम जो होती है द वे योर फैंस रिस्पॉन्ड, यू नो देयर रिस्पॉन्स नॉर्मली इज वेरी पॉजिटिव, ये गाना करने के पीछे क्या वजह थी, व्हाट वाज योर रिएक्शन, डू यू थिंक एज एन इंडिविजुअल एज एन एक्टर द रिस्पॉन्सिबिलिटी गोस अप एनी डे यार, मतलब ये जब सॉन्ग मेरे पास आया था एंड थैंक्स टू देम आई रियली वांट टू थैंक मुदस्सर एंड यावर फॉर कंसिडरिंग मी फॉर दिस थिंग, परफॉर्मिंग ऑन एन आइकॉनिक सॉन्ग इन इटसेल्फ सात समुंदर पार, उस लाइक मुदस्सर सेड इट्स एन आइकॉनिक वन यू नो, एंड यू कैन नॉट अंडर परफॉर्म, यू कैन नॉट बी अ मीडियोकर इन दिस सॉन्ग, एंड आई एम सो इलेटेड टू बी हियर, आई एम सुपर डुपर हैप्पी टू बी परफॉर्मिंग ऑन दिस सॉन्ग बिकॉज इट्स ए आई मीन आई एम जस्ट thrilled and it's so much fun, you know, uska hook step aur uska everything is just very very catchy and when it releases I'm sure it's going to just create some ripples, right? And yeah, there is a small story also, to wo bhi aap logo ko pata chalegi baad mein, kaafi achhi hai, ek choti si story bhi dali hai humne, यार मेरा एक दिन का एक्सपीरियंस मैं नहीं बता पाऊंगी बिकॉज बहुत बहुत कम टाइम हमें दो दिन रिहर्सल भी है उसमें रिहर्सल भी है बट वी हैव नॉट गॉटन टू नो ईच अदर बट एज फार एज आई नो हिम ही इज अ हार्ड वर्किंग गाय एंड ही इज वेरी I would say desperate to pick up things, you know, in a good way. You know, he wants to learn and he wants to perform very well. And I've seen him on camera. He's doing well. So I good luck for this one, yeah. Thank you so much. So yeah. Mia, there'll be a comparison with Divya Bhatt. Okay. क्योंकि उन पे पिक्चराइज हुआ था गाना, उस बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं, मतलब इट्स एन ऑनर अगेन, यू नो 90s के जितने भी सॉन्ग्स थे और आज के जितने भी सॉन्ग्स हैं वो कभी हम मैच नहीं कर पाएंगे, उनकी जो पॉपुलैरिटी है, उनका जो व्हाट डू यू कॉल दैट लॉन्जिविटी है, सी वी कैन से हमने कोशिश करी है, अब बाद में उनकी पब्लिक के हवाले है कि किस तरह हमने मेहनत करी है, कोशिश करी है, एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू रिप्लेस एनीबॉडी, शी वाज, और वो गाना कितना क्यूट परफॉर्म किया है, इट्स एंड दिस वन इज मोर ऑफ यू नो डांसिंग एंड यू नो बीइंग मोर सेंसुअल अबाउट इंटेंस एंड सो मच ऑफ dancing, वो song बहुत अलग था, ये song बहुत अलग है, and I'm glad I'm doing this. It's a music video that was a film song. Film song, so right. आप क्या कहना चाहेंगे? First of all, ये है कि मुदस्सर भाई जब इस गाने को कर रहे हैं तो मतलब मेरा सेकेंड सॉन्ग है इनके साथ में, मुदस्सर भाई के साथ में, और फर्स्ट सॉन्ग हमने दुबई में किया है जो आने वाला है पोस्ट प्रोडक्शन पे, और ये जो सॉन्ग है इसके बारे में मैं बस इतना ही बताऊँ, कम टाइम के अंदर मुदस्सर भाई इतना अच्छा करके दिखा रहे हैं, और निया तो वेरी गुड, निया सब पूरी दुनिया जानती है निया को, तो और काफ़ी अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया, और लगी भी इसके अंदर अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा बहुत काफ़ी अच्छी लगी इसके अंदर, गुड लुकिंग, एक्चुअली क्या है कि इतना रैंप मॉडल से जब यहाँ डेब्यू करना, तो एक मॉडल के लिए जब रैंप पे जब चलता है एक मॉडल तो उसको बहुत कम टाइम मिलता है, और इस पे जब म्यूज़िक वीडियो में हम परफॉर्म करते हैं तो एक एक्टर को काफ़ी टाइम मिलता है करने के लिए, और बस आप जब गाना आएगा तब देखिएगा। निया के साथ करने का काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ऑसम, सुपर, मतलब
जो कहते हैं इनकी तारीफ में जितने वर्ड्स किए जाए उतने कम है। अभी तो और पेज बनना है। थैंक यू सो मच, गुड क्वेश्चंस एंड थैंक यू।